केंद्र ने अब सब कुछ केंद्रीकरण की तरफ बढ़ाकर कंपनीकरण को न्योता दिया और ये तीनों कानून जो काले नहीं गोरे कानून थे क्योंकि वो अंग्रेजों से भी बदतर और वो इसीलिए लाए गए हैं कि अब शिक्षा गया, BSNL कम्युनिकेशन गया, रेलवे गया, हर क्षेत्र के बाद अब शिक्षा के क्षेत्र में भी कंपनियों को लूट की छूट देना चाहती है आज की केंद्र की सरकार। और इसकी खिलाफत करे बिना किसान को जीवित रखना, अपने खेती को बचाना और आम देश की अन्न सुरक्षा बचाना भी नामुमकिन, ये हमारा स्पष्ट है। मैं चंडीगढ़ में भाग लिया, इतनी भी लड़ाई आप लड़ी, आप जितनी की आप खत्म हो गई आंदोलन में हुआ है, उसमें क्या चेंज होनी चाहिए थी, कैसे आंदोलन हुआ, क्यों, उसमें क्या कमियां रही हैं, वो कमियां दूर करने के लिए आज हमने ये मीटिंग बुलाई थी। और इस मीटिंग में आज जितने किसान आए थे सभी ने एक मत से एक 21 मेंबरी कमेटी बनाई है, जो भी यहाँ आगे का रणनीति बनाएगी वो 21 मेंबरी कमेटी ने बनाई है। जो रणनीति बनाई गई है उसमें 12 तारीख से धरना चलेगा 17 तारीख तक लघु सचिवालय में। उस धरने में पांच हमारे ब्लॉक हैं, पांच ब्लॉक से एक एक दिन के एक एक ब्लॉक से आया करेंगे किसान। और जो भी किसानों की मुख्य मांगे, जैसे तीनों अध्यादेश के खिलाफ हमारा जो संघर्ष था, कुछ शरारती तत्वों ने उसको कैप्चर करके, सरकार के आदमियों ने कैप्चर करके उसको बदलने की कोशिश की, मगर उसी रास्ते पे लाने के लिए ये हमने इतना अगला संघर्ष शुरू किया है। इस संघर्ष में 12 तारीख को लघु सचिवालय में धरना देने के बाद 13 को संसद का अपनी जो जहाँ से संदीता दुग्गल है उसका घर के सामने धरना लगाएंगे, 13 तारीख को धरने के बाद संसद के घेराव के बाद फिर 14 तारीख को अधिकार दिवस, MSP अधिकार दिवस वो मनाएंगे, जिसमें हर किसान को हम अपील करेंगे अपने घर से जितने अनाज यहाँ पैदा होते हैं, धान है, नरमा है, बाजरा है, मक्का है, मूंग है, मूठ है, ग्वार है, वो अपनी अपनी ट्रालियों में लेके आएंगे और SDM या सेक्रेटरी के मार्केट कमेटी सेक्रेटरी के पास लेके जाएंगे भी इसको MSP पे खरीदो। अगर वो खरीद नहीं करते तो जो सरकार रोजाना कहती है अभी हम MSP जारी रखेंगे, इसकी खरीद बंद नहीं करेंगे, उस दिन सरकार का पता चल जाएगा।